रुक करेंगे झारखंड का। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज सभी जिलों के उपायुक्त के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों और अलग अलग विभागों के कामों की समीक्षा करेंगे। तो झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास आज सभी जिलों के उपायुक्त के साथ बैठक करने वाले हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों और अलग अलग विभागों के कामों की समीक्षा करेंगे। यानी कि जितने भी काम चल रहे हैं सरकार के, उन तमाम कामों की आज विभागवार समीक्षा की जाएगी और अलग अलग जिलों के उपायुक्त मौजूद रहेंगे बैठक में। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे रांची से जुड़ रहे ज़ीबीडी संवाददाता मनीष मेहता। मनीष, आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम रघुवर दास, क्या मुख्य एजेंडा होगा? देखिए ललिता, फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2016-17 की बात करें तो अभी जस्ट पिछले महीने इसकी शुरुआत हुई है और जो बजट प्रावधान किए गए हैं तो पिछले बार भी हमने देखा था कि जो बजटीय राशि जो थी वो पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाई थी, लेकिन कई विभागों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। तो ऐसे में इस बार सरकार ने के एजेंडे में सबसे प्रायोरिटी में ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही जो वर्किंग प्लान है वो इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए ताकि जो बजटीय राशि है उसका 100% खर्च हो सके। और यही वजह है कि आज जो तमाम सूबे के जो तमाम जिलों के जो डीसी की बैठक बुलाई गई है और इसमें सभी विभागों के जो प्रधान सचिव हैं, सचिव मौजूद रहेंगे। तो इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा यही है कि वर्किंग प्लान इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए कि फिनेंशियल ईयर खत्म होने तक जो फंड जो है वो पूरी तरह से खर्च हो सके और विकास योजनाएं धरातल पर उतर सके, ना कि मार्च में आपाधापी में जो पैसे की लूट हो सके और मार्च लूट की जो बात आती है उस पर विराम लग सके। तो यही वजह है कि आज की बैठक में साल के शुरुआत में ही, जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही, विकास कार्यों को लेकर के सीएम के तरफ से सख्त एक आदेश जारी होने वाला है कि आप अभी से ही विकास कार्यों को लेकर के सीरियस हो जाइए, एग्जीक्यूट कीजिए, सीरियस हो जाइए। मनीष, जिस तरह से राज्य में सूखे की स्थिति है, पानी की किल्लत की खबरें भी रोजाना हम दिखा रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ऐसे में क्या आज पानी और सूखे पर सीएम निर्देश दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के पहले भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्योंकि सीएम के तरफ से साफ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि झारखंड में जो बड़े पैमाने पर चाहे वो डैम हो या फिर जो तालाब हैं या फिर जो दूसरे जो सोर्सेज हैं जहाँ से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं पानी लेते हैं, उन तमाम जगहों के लिए सख्त साफ साफ निर्देश सीएम की तरफ से जारी कर दिया गया है कि वहाँ पर जो पानी की जो गहराई जो है, तालाब हो, डैम हो, उसकी बढ़ाई जाए, पानी का संरक्षण किया जाए, इसको लेकर के निर्देश जारी किया गया है। और आज की बैठक में इस पर भी समीक्षा होने की चांसेज है, लेकिन साथ ही साथ ललिता, क्योंकि आज की बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीएम की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आने के पूरे आसार है कि आप जो फंड अलॉट किए जा रहे हैं वो फंड एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी वो समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने पिछले दिनों ने निर्देश दिया था कि तमाम जो विभागीय सचिव हैं वो ग्राउंड जीरो पे भी जाकर के नाइट स्पेंड करेंगे, वहां पे जाकर विजिट करेंगे, सिर्फ रांची में तक, मुख्यालय तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वो ये भी जाकर देखेंगे कि विकास कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आज इसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं कि तमाम जो डीसीज हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाए, वहां टाइम स्पेंड करें और वहां पर विकास कार्य किस तरह से चल रहे हैं उसकी समीक्षा करके ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है, जो सही रिपोर्ट है, वो मुख्यालय तक भेजे। तो फिलहाल ये काफी इंपॉर्टेंट बैठक है और देखना है कि इस बैठक से क्या कुछ निकल करके आ जाता है। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका इस जानकारी के लिए।